गीता वाणी। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन प्रश्न करते हैं कि हे मधुसूदन, इस संसार में अग्नि से तेज क्या जलता है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों के प्रति जो हमारी घृणा है और जो हमारा गुस्सा है, जो क्रोध है, यह क्रोध की अग्नि अग्नि से भी ज्यादा तेज है। जानते हैं इसका रहस्य क्या है? जिस क्षण हम लोग गुस्सा करते हैं, उस क्षण हमें सोचने समझने की शक्ति जो है वह हमारे से चली जाती है। उस समय हम लोग गुस्से में जो कदम उठाते हैं वह हमारा विनाश तक कर देती है, आने वाली पीढ़ियों तक का विनाश हो जाता है। यह जो क्रोध की अग्नि है, यह क्षण भर में प्रेम, इज्जत, मान सम्मान सबका चलाकर स्वाहा कर जाती है। परंतु इस अग्नि को शांत रखना है तो जब भी आपको गुस्सा आए, मुस्कुरा तो सकते नहीं, परंतु थोड़ा शांत हो, परंतु अपने अंदर गुस्से को भी ना रहना। अपने मित्र से बताएं, एकांत में बैठकर रेत से भरे एक तकिया बना लें जिस पर अपना गुस्सा उतार दे, किसी मनुष्य पर नहीं। क्योंकि जब किसी मनुष्य पर गुस्सा उतारते हैं तो आप देखेंगे कि मान लो सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो कितना बड़ा पाप लगता है। मान लो वह कमाने वाला घर में एक था, खाने वाले पांच आदमी थे, वह इंतजार कर रहे हो कि पापा आएंगे, परंतु पापा नहीं, पापा की डेड बॉडी आ जाए उनके घर में। जो उनकी मां की बद्दुआ है, बच्चों की बद्दुआ है, वह किस प्रकार से आपको जलाएगी? आप जीते जी मर जाए, आपकी वजह से किसी के प्राण चले जाएं, इससे बड़ा कोई पाप ही नहीं हो सकता। परंतु जब क्रोध आए, क्रोध की अग्नि को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका जो है वह मौन हो जाता है। मौन में वह शक्ति है जो बड़े से बड़े क्रोध को अंत कर देती है और सामने वाला भी चुप हो जाता है। जब आपके पति पत्नी में कोई लड़ाई हो रही हो तो अगर एक आदमी चुप हो जाए तो दूसरा कितनी देर तक बोलेगा? बोलिए, यह जो मौन की शक्ति है यह अग्नि को शांत करती है। मौन जो है वह जल का काम करता है। क्रोध को जितना बढ़ाते जाओगे बढ़ता ही जाएगा। हम क्रोध में जब आते हैं तो हमें कुछ भी नहीं समझ आता कि क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, सही है ना? लेकिन वह क्षण भर का जो क्रोध है वह आने वाली पीढ़ियों का विनाश कर देता है। क्रोध की अग्नि ने, आप जानते हैं कर्ण का क्या हाल हुआ, कंस का क्या हाल हुआ,
और रावण, इनके वंश तक का नाश हो गया क्रोध किया। जो ये क्रोध है यह मानव निर्मित है। आप देखेंगे कि आज तक क्रोध से किसी का भला नहीं हुआ। बहुत सारी जेलों में आज रिसर्च की गई तो पाया गया कि वहां पर जितने भी कैदी हैं सबको पछतावा है। उनको समझ ही नहीं आया उस क्रोध के समय उन्होंने क्या कर दिया। दूसरों का तो बुरा किया किया, अपने परिवार का बुरा कर दिया। जो समय हंसी से हंसी खुशी अपने घर में अपने परिवार के साथ रहकर गुजारते वह कीमती समय उनका जेल में गुजरा। तो जब तक अपने क्रोध की अग्नि को शांत नहीं करेंगे तो जलते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कभी आपकी किसी से लड़ाई हो गई हो लेकिन आज भी आपके अंदर घृणा ईर्ष्या भरी हुई है। कोई कहे कि आपके दुश्मन ने ऐसा कर दिया, आप बोलते हैं बताइए ना, मैं सुनने के लिए तैयार। क्रोध की अग्नि को शांत कर दीजिए, गंदे विचारों को छोड़ दीजिए। कुछ नहीं रखा, यह जो क्रोध की अग्नि है वह स्वयं को तो जलाती है, दूसरे का घर परिवार संसार तक उजाड़ कर रख देती है। ऐसे क्रोध की अग्नि से नहीं किसी का भला हुआ है ना होगा।